सर, ये APCS ओपीएसको को लेकर के आप न्याय मंत्री हैं, तो ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग केसेस है, इसके बारे में आपका क्या राय है सर? अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी हुआ है हम लोगों के लिए तो बहुत ही एक दुखद घटना है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जिसको जिम्मेदारी दिया है अगर वही चोरी करेगा तो फिर संभालेगा कौन? अगर पुलिस ही चोर का काम करेगा, अगर बैंक का मैनेजर ही बैंक का पैसा चोरी करेगा और डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर है वही घपला करेगा, तो फिर समाज के लिए बहुत ये चिंता का विषय है। पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो लोग जिम्मेदारी पद पे रहा है उन लोगों को सोचना चाहिए था। इसलिए जब ये सामने में आया, पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक का मैटर जब आया और चीफ मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा केस आया है, मैंने पहले ही दिन सीएम साहब को भी मेरे तरफ से सजेशन दिया कि इसका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कमीशन को लेना चाहिए। भले चेयरमैन मेंबर या कोई भी उसमें ऐसा हो सकता है 100% लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कुछ लोग नहीं पता भी हो सकता है, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको लेना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना था। इसलिए सीएम साहब ने प्रेशर डाला और कमीशन के सारे जो चेयरमैन मेंबर्स को रेजिग्नेशन देने के लिए अनुरोध किया गया है। उसके बाद इंक्वायरी के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने सीबीआई डायरेक्टर को पर्सनली मैंने बुला करके उनको कहा कि अरुणाचल प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज मामला है ये सीरियस है, इसलिए आप लोग तुरंत इसको एक्सेप्ट कीजिए और जाके इन्वेस्टिगेशन का चार्ज लीजिए। तो सीबीआई भी उसी प्रकार से समय पे यहाँ आया और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं इन्वेस्टिगेशन के बीच में क्या क्या कर रहा है और किस तरीके से करना चाहिए इस पर हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंटली उसको काम करने देना है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना है। आउटसाइड इन्फ्लुएंस करेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, इसलिए रूट तक जाना चाहिए उसको। कोई भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व है 100% सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। यूनियन आर प्रोटेस्टिंग ए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट एट डायन रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ आरपीसी अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट सर, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखिए, चकमा हाजोंग इशू बहुत पुराना इशू है, 1964 से ये चलते आ रहा है। नेहरू जी के समय से लेकर के इंदिरा जी के समय तक इस बीच में हजारों चकमा हाजोंग रिफ्यूजीज़ को अरुणाचल में सेटलमेंट दिया गया है। बाद में हमारे सरकार आने के बाद हमने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिया है कि जो उस समय का निर्णय जो हो चुका है अभी हम जाके हिस्ट्री में तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे इनको कंट्रोल में रखना होगा। हमारा अरुणाचल प्रोटेक्टेड स्टेट है और रिफ्यूजी को यहाँ सेटल करना उस समय कांग्रेस सरकार जो भी था, अभी मैं इतिहास में नहीं जाऊँगा, वो निर्णय गलत रहा है। लेकिन अब हम इतिहास में नहीं जा सकते, हमारा काम है कंट्रोल करना। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2015 में चकमा हाजोंग को 3 महीने के अंदर में सिटीजनशिप देना चाहिए, ऑर्डर पास किया, तब मैं होम मिनिस्ट्री में थे, हमने काफ़ी मशक्क़त करके इस ऑर्डर को हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ कुछ लोकल इश्यूज़ था, इस तरीके से हम लोग ने कारण बताया है। लेकिन कभी कभी कोर्ट का ऑर्डर जो है हमारे लिए एक पाबंदी भी हो जाता है, फिर भी रजिस्टर किया है और अरुणाचल का ट्राइबल इंडिजिनस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। और मोदी जी और अमित शाह जी ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था उस समय बहुत बड़ा काम किया अरुणाचल प्रदेश के लिए, और उस अमेंडमेंट एक्ट में क्लियरली लिखा है कि भविष्य में अभी से ये पार्लियामेंट एक्ट का डिसीजन है, लॉ ऑफ द लैंड है, कि कोई भी विदेशी अरुणाचल में कोई भी टाइटल नहीं मिलेगा, ना उसको सेटलमेंट देंगे ना अरुणाचल का इंडिजिनस राइट्स देंगे। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बड़ा अरुणाचल के लिए फैसला हुआ है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार क्या सर इसको कुछ चेंजेस करने का सोच रहे हैं क्या? कोर्ट के बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अभी मेरा ड्यूटी है सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हालत ख़राब है, बिल्डिंग पुराना है, ये सब को मैं इस बार कुछ पैसे मैनेज कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्पोर्ट्स मंत्री रहते समय जगह जगह स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर बनाया है, अभी कंस्ट्रक्शन सब जगह चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट में ओपन जिम काम चल रहा है, मल्टीपर्पज़ हॉल बन रहा है, ट्रैक्स बन रहे हैं, काफ़ी एक साथ में लगभग 40 स्कीम्स अरुणाचल में चल रहा है स्पोर्ट्स के समय में, जो पिछले 70 साल में हुआ नहीं है। वो नॉर्थ ईस्ट का जितना स्टेट्स है, हम लोग टोटल 8 स्टेट है, 7 स्टेट में जितना स्कीम है उससे भी ज़्यादा अरुणाचल अकेला में स्पोर्ट्स का स्कीम इसलिए दिया कि पहले हम लोगों को ऐसा मदद नहीं मिलता था। उसी प्रकार जब मैं होम मिनिस्ट्री में थे तो सारा अरुणाचल का बॉर्डर एरियाज़ के लिए जो अलग से पैसा दिया, BADP फंड बनवाया, मॉडल विलेज बनवाया, इस तरह का, तो कुछ तो फ़ायदा तो होना चाहिए जिस पदभार में है। वैसे अभी हम लॉ मिनिस्टर होने के नाते अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए खास करके इस बार कुछ पैसा भी इंतज़ाम किया है, वो तुरंत इस बार मार्च महीने तक ये सारा पैसा भी रिलीज हो जाएगा। सर, व्हाट अबाउट द बेसिक राइट्स ऑफ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड? एज द यूनियन आर स्टेटिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट दैट यू नो जो 25 अराउंड 30 जो गवर्नमेंट स्कूल जो रन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, उन लोग ने पूरा क्लास को बॉयकॉट कर रहा है बोल रहे, तो अगर ये RPC को लेके नहीं होता है, उनसे ऊपर से यूनियन वाला लोग ने कहा है कि इन्फिनिट वो लोग बंद कॉल करेंगे बोल के। देखिए, कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन जो है भविष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अपना राइट्स के लिए कोई भी बोलता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य के लिए ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इनडेफिनिट चीज़ कुछ नहीं होता है, डेमोक्रेसी में बातचीत करके कुछ भी चीज़ होता है उसका सुलह कर सकता है, सोल्यूशन निकल सकता है। राज्य सरकार सीरियसली टैकल कर रहे हैं और जब ज़रूरत होगा तो मैं लोकल MPO में भी बीच बीच में आ करके आप लोगों को फिर बताऊंगा क्या। ओके, थैंक यू सर। सर, लोगों का एक डिमांड है कि न्याय और विधि मंत्री होने का नाते आप शायद अगला सरकार में दूसरा मंत्री हो सकता है। एक इंडिपेंडेंट हाईकोर्ट हमारा स्टेट को एक चाहिए बोल के। हाईकोर्ट इंडिपेंडेंस के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, वो राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के साथ में बात करूँगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार है तो देने में हर्ज नहीं है। लेकिन अरुणाचल में अभी 2 जज का बेंच है और पेंडेंसी के हिसाब से अभी मेरे ख्याल से काम तो अच्छा चल रहा है। आप भी बाद में कोशिश करेंगे सर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होने के बाद? कोशिश क्या है, वो अगर ज़रूरत होगा तो देंगे, मैं खुद मंत्री हूँ, लेकिन ज़रूरत होना पड़ेगा, यहाँ रिक्वायरमेंट उस हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे ही हमको करना है, हमारा तो पब्लिक डिमांड और नीड बेस होता है।